नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीलंका की टीम फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां टीम लिमिटेड ओवर की सीरीज खेल रही है। सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला जीतकर बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का लगातार दूसरा मैच जीतकर न सिर्फ बांग्लादेश ने वनडे सीरीज जीत ली, बल्कि पहली बार श्रीलंकाई टीम को बांग्लादेश के हाथों वनडे इंटरनेशनल सीरीज में हार मिली। इस सीरीज के पहले दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों ही मुकाबलों मेहमान टीम ने श्रीलंका को हराया है। मैच में एक बार फिर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पहले मैच की कसर दूसरे मैच में पूरी कर दी और एक शानदार शतक जड़ा। मुशफिकुर रहीम ने 127 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके लगाए। इसके अलावा महमूदुल्लाह ने भी 41 रनों का योगदान दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने 38 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए थे, तब बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद जब मैच शुरू हुआ तो श्रीलंका को 40 ओवर में 245 रनों का लक्ष्य मिल गया। श्रीलंका की टीम 40 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और मेहंदी हसन ने तीन तीन विकेट निकाले। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ पहली बार कोई द्विपक्षीय सीरीज जीती है। बांग्लादेश ने शेर बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 103 रनों से हराया। बांग्लादेश ने पहला वनडे 33 रनों से जीता था। बांग्लादेश की टीम के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में करीब 2 दशक का समय बिताने के बाद टीम को ये खुशी मिली है। पहली बार टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में जीत मिली है। श्रीलंका के पास इस समय अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो मेजबान बांग्लादेश से टक्कर नहीं ले सके और सीरीज गवा बैठे। आपको बता दें, सीरीज का आखिरी मैच 28 मई को खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।